नमस्कार दोस्तों, अमित इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मेरे पास लाइट कलश आया हुआ है रिपेयर के लिए। पूजा स्थलों पे ये लगाया जाता है, तो आज इसको रिपेयर करेंगे। और ये देखिए है, इसमें क्या ख़राबी है, जल नहीं रहा है। आज इसको चेक करेंगे। बल्ब ख़राब हो सकते हैं, लीड भी इसकी ख़राब हो सकती है, और पेपर कंडेंसर भी लगे होते हैं इस पर, वो भी ख़राब हो सकता है। तो आज हम इसको रिपेयर करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो यहाँ से इसको जो है कि यहाँ ये घाट पे लगा होता है, यहाँ से इसको इसे घुमा के यहाँ से खोल लेते हैं। देखिए यहाँ इस तरह से इसको निकाल लेंगे और यहाँ पे साइड में रख देंगे। उसके बाद इसको ये देखिए छोटे बल्ब लगे होते हैं यहाँ पे, जो देखने में दिए की तरह से लगते हैं कि दिया जल रहा है ऐसा लगता है। थोड़ा दूर से देखने पर लगता है दिया जलता है, ये बिजली से जलता है। तो यहाँ से इसको देखिए ऐसे घुमा के, यहाँ से इसको ऐसे घुमा के खोल लेंगे। यहाँ से इस तरह से देखिए यहाँ से खोल लिया, और उसके बाद देखिए यहाँ इसका जो लीड जहाँ से लगा हुआ है एसी वोल्टेज से चलता है। और देखिए जहाँ से लीड लगा हुआ है यहाँ इसमें कंडेंसर लगा होता है, तो इसको यहाँ से ऐसे पेचकश की सहायता से, इसको ड्राइवर की सहायता से यहाँ से खोल लेंगे इसको। इधर देखिए यहाँ से ऐसे देखिए ऐसे इस तरह से इसको खोल लेंगे यहाँ से। ये देखिए इसमें पेपर कंडेंसर लगे हुए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस बहुत थोड़ा सा ये पेपर कंडेंसर लगा के बल्ब लगा के इस पर इसको जला देते हैं बल्ब को, और चलता है इसी पर ही। और यही होता है घरों में, लोग पूजा पाठ की जगह पे इसको जलाते हैं लगाते हैं। और ये देखिए हमारा पेपर कंडेंसर है, इसमें इसका वैल्यू देखिए 250 वोल्ट 105 mFd है, 105 mFd का है। अब ये देखिए जल नहीं रहा है फिलहाल, तार और इसका तो टूटा हुआ कनेक्शन, लेकिन कस्टमर का कहना है कि ये बहुत कम जल रहा था, धीरे धीरे कम हो गया इसकी रोशनी बल्ब की, धीरे धीरे कम हो गई। तो कनेक्शन को तो हम जोड़ ही लेंगे, लेकिन इसमें जो है हम रोशनी बढ़ाने के लिए इस पेपर कंडेंसर को हम दूसरा लगा लेंगे, इस जगह पे दूसरा लगा लेंगे, तभी जो है कि ये तेज चलेगा। फिलहाल इस पर इसे जोड़ के चेक कर लेते हैं कितना जलता है। यहाँ इस तार पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है, और ये पेपर कंडेंसर सीरीज वाले सिस्टम से लगा होता है, जैसे सीरीज पर पेपर कंडेंसर लगाते हैं, एक चला जाता है इस पर बिजली, जो दो तारों को अलग पर लगते हैं यहाँ पे, यहाँ से एक तार सीधा चला जाता है इसमें बल्ब में, और एक तार पे पेपर कंडेंसर सीरीज टाइप बना के लगा दिया जाता है। अब ऐसे ही लगाएँ इसमें, और उस ख़राब पेपर कंडेंसर को हम दूसरा बदल कर इसको ठीक करने वाले हैं। फिलहाल इस पर चेक कर लेते हैं कि कितना रोशनी जल रहा है हमारा। और ये पलक है, ये पलक है, और ये हमारा बिजली बोर्ड है, इसमें हम यहाँ से सप्लाई लगा लेते हैं।
हमने लगा लिया है। और ये बिल्कुल ही नहीं जल रहा है, बहुत हल्का जल रहा है, जो कि वीडियो में दिखाई नहीं देगा कि बहुत हल्का बल्ब इसका जल रहा है। यहाँ देखिए बहुत हल्का से जल रहा है। तो इसको हम दूसरा इस पे पेपर कंडेंसर लगाएंगे और लगा के इसको जलाएंगे। ये देखिए ये वाला कंडेंसर हम लगाने वाले हैं, जिसका वैल्यू 105 MFD 500 है। इसी को हम इसमें लगाने वाले हैं। यहाँ ऐसे पहले चेक कर लेते हैं इसे लगा के, उसके बाद अच्छे से इसको लगा के इस पर टेप लगा देना है। फिलहाल चेक के लिए यहाँ से लगा रहे हैं। और ये जो रेजिस्टेंस लगा होता है, इसलिए इसमें कि बैक करंट ना आए इसमें। अब देखिए बगैर रेजिस्टेंस के इसको हम लगाएंगे चलने को तो चलेगा, लेकिन प्लग पर बैक करंट मार देगा, इस पर हल्का फुल्का करंट आता है। इसलिए इस रेजिस्टेंस को यहाँ जैसे इसमें 60 के लगाया हुआ है दोनों पॉइंट पर, इस जो दूसरा बदला जाता है इसमें पर ही लगा लिया जाता है, नहीं तो हल्का फुल्का करंट आएगा बैक में, निकालने के बाद भी करंट हल्का रहता है। तो यहाँ देखिए इस पर ऐसे लगा लेते हैं इधर इस वाले खूंटी पे। अब इसको जला के चेक करेंगे, देखते हैं जलता है कि क्या है। अब देखिए यहाँ बिजली देखिए, यहाँ पे इसे देखिए जल चुका हमारा दिया, देखिए जल रहा है। ये देखिए ये दिया हमारा जल रहा है। अभी इसको फिटिंग करने के फिटिंग करके दिखाएंगे कि हाँ जल रहा है। इस समय देखिए ये दिया हमारा जल रहा है, ये देखिए हमने ये देखिए ये जल रहा है। हमने यहाँ पेपर कंडेंसर को बदल दिया, ये जल रहा है। अब देखिए इसको निकाल लेते हैं यहाँ से, पलक हमने निकाल दिया। अब देखिए इस पर रेजिस्टेंस जो नहीं लगाए हैं उसके बारे में दिखाते हैं। देखिए रेजिस्टेंस हमने लगाया नहीं है, डायरेक्ट ऐसे लगा दिया है। अब उसके बाद भी देखिए हमने पलक निकाल दिया, फिर भी इसमें करंट हल्का रहेगा। अब देखिए पेच स्क्रू ड्राइवर से हम शॉर्ट करके दोनों पॉइंट को यहाँ दिखा रहे हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, देखिए देखिए निकला है करंट। अभी एक बार फिर दिखा दे रहे हैं, देखिए इसे जल रहा है दिया, उसके बाद निकाल दिया। अब देखिए यहाँ देखिए देखिए निकला है करंट।
देखिए ये एक सिरा डायरेक्ट हो गया है यहाँ से, और एक सिरा इस पर से सीरीज होके आएगा, और एक यहाँ से बल्ब पर जाएगा। एक यहाँ बिजली का एक सिरा यहाँ डायरेक्ट बल्ब पर जाएगा, एक सिरा यहाँ से इस पर मैं लगा रहा हूँ। देखिए यहाँ से ऐसे इस पर थोड़ा सा पेस्ट लगा के सोल्ड कर लेंगे। उसके बाद इसको यहाँ पर इसको बढ़िया से शोल्डर से ये जो इसका थोड़ा सा निकला है सिरा यहाँ पे चिपका देंगे, शोल्डर गहरे में मतलब से यहाँ से चिपका के उसके बाद इस कवर को यहाँ पे बंद कर देंगे इस तरह से। यह देखिए इसको हमने यहाँ पे शोल्डर आयरन की मदद से यहाँ पे ये जो सिरा निकला था यहाँ पे जाम कर दिया, हमने लगा दिया है पेपर कंडेंसर को। अब उसके बाद यहाँ से जो नीचे कैप लगा हुआ था इसका, इसको हम यहाँ लगा के ढक देंगे। ऐसे लगा हुआ था ये देखिए हमारा फिटिंग हो गया इसका इधर से। अब इसको ऐसे सीधा कर लेंगे। उसके बाद ये जो बल्ब है इसमें फिटिंग कर लेंगे इस तरह से। इसे घुमा के इसको घाट पे होता है उसको घुमा के इसे फिटिंग कर देंगे इसकी। और देखिए इसको हमने यहाँ फिटिंग कर दिया है, और उसके बाद ये ऊपर का ओम जो है, ये ओम जो है ऊपर का यहाँ पे इसको इधर घुमा के इसे लगा देंगे। देखिए घुमा के यहाँ, अब देखिए अब इसको फिटिंग कर दिया हमने इधर से ऐसे है। अब देखिए ऐसे इस तरह से अब ये फिटिंग हो चुका। अब इसका पलक लगा कर हम यहाँ बिजली में एसी वोल्टेज देकर चेक करेंगे कि फिटिंग करने के बाद भी चलना चाहिए प्रॉपर। ये देखिए हम यहाँ बिजली बोर्ड से कनेक्ट कर रहे हैं इसको। ये देखिए हमारा कलश जल चुका भाई, ये बराबर बन के अब तैयार हो चुका है। देखिए हमने इसको सही कर दिया, और देखिए जल रहा है। लाइट कलर्स हमारा ठीक हो चुका है दोस्तों। इस वीडियो में यहीं तक, आगे फिर वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।